क्लास 7 साइंस आई एम आर एस प्रसाद सर. टुडे योर चैप्टर 5 दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेट अस स्टार्ट व्हाट विल बी योर चैप्टर. सो दैट इज द माइक्रोस्कोप. इट इज द फर्स्ट थिंग विच इज यूज इन योर प्रैक्टिकल एंड इन दिस यू कैन सी द फर्स्ट अपर पार्ट. दिस वन इज द आई पीस. यू कैन सी हियर दिस वन इज द आई पीस एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. यू कैन सी हियर this one and this is the adjustable and you know, that means you can say adjusting screw. This one, these two, and this is the clips which keep the slides in this, and it is mirror which reflect the sufficient light into the microscope. So it is the first thing which is used in your biology. So now correct way of using the microscope. The correct way of using a microscope. First क्या है इसमें, keep the microscope in a place with sufficient light. मतलब ऐसी जगह रखना है जहां sufficient light हो. Now second, clean the lens and the mirror of the microscope with a cloth. Now third one, wash the slide properly and wipe it dry. Fourth, in order to observe an object, put 2 or 3 drop of water on the slide. Place the object carefully on the water drop with the help of a forceps or a pin or a bubble thread. Ensure that the object does not float around in water but remains stationary. Now fix the slide just below the lens with clip and focus it. Observe the object after adjusting the light by turning the mirror. तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे इसको. और स्लाइड को कैसे मेक करते हैं, मेकिंग अ स्लाइड ऑफ ओनियन पील. ओलरेडी ओनियन पीस निकाल लिया, निकालने के बाद इसको और बारीक कर लिया, बारीक करने के बाद एक और बहुत बारीक स्लाइड लेकर के इस ग्लास के ऊपर स्लाइड के ऊपर इसको स्प्रेड करते हैं. स्प्रेड करने के बाद जो है 2-3 ड्रॉप जो है वाटर डाल देते हैं. वाटर डालने के बाद इसको फैला देते हैं. ये जैसे आपको ये दिखा रहा था, पेन वगैरह ले लो चाहे जो भी है आपके पास, मुकीरी चीज से इसको फैला करके रख दीजिए. इस पर पानी डाल दिया था जिससे कि इस पर स्टेशनरी बनी रहे. ये दिखती कैसे है इस पर सेल्स, ये देख लीजिए. यहाँ पे दिख रहा है ये यूनियन सेल, आपको जो भी बनाकर दिखा रहे थे ये ट्रायल ऑफ यूनियन पील्स है. तो ये ऐसे ऐसे बीच में वगैरह दिखाई दे रहा है आपको. तो सेम थिंग ऐसे ही इसको देखते हैं. तो ये टिशू ऑफ चिक सेल्स है, यानी कि टिशू ऑफ चिक एपिथेल. तो इसमें होता क्या है इसे बताते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज कॉल्ड टिशू. टिशू की डेफिनेशन मेन है. तो सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म टिशू एंड टिशू आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन आर कंबाइंड टू फॉर्म सिस्टम एंड सिस्टम ऑल द सिस्टम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बॉडी. सो दैट इज द स्टेम ऑफ प्लांट. सो यू कैन सी इट इज सीन बाय द माइक्रोस्कोप. सो फर्स्ट वन इज द This is the outer part of the. It is called as epithelial tissue. Now, beech mein jo dikhai de raha hai in the middle, so it is the ground tissue, and this one is the. It is the phloem tissue, and this is the xylem tissue. You can see here xylem tissue, and it is a pit. Ye jo yahan beech mein dikhai de raha hai, that is the pit. So it is the structure of stem of plant. Now, voluntary muscles. You can see here. वॉलेंट्री मसल एंड दिस वन इज द इनवॉलेंट्री मसल एंड इट इज द कार्डियटिक मसल. ये हार्ट में दिखाई देती है दिक्कत. तो इट इज द मल्टी टिश्यू, मल्टी मस्कुलर टिश्यूज हैं सारे. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द ब्लड. सो व्हाइट ब्लड सेल्स, इट इज गिवन सम लार्ज एरिया एंड इट इज द प्लेटलेट्स. दिस वन इज द गिवन इट इज प्लेटलेट्स and these are the red blood cells. You can see here this one is the red blood cell. Red blood cell is the smaller than the white blood cell, and white blood cell in the number of small less, but red blood cell is the large number. Nerve fiber, you can see a nerve cell. It is the nerve cell. This is the looking here. So you can see a nerve cell and the structure of nerve cell, and they are combined to each other like this. ये इस तरह से जुड़ी होती है. सिंगल तो यही होती है लेकिन ये दूसरे कनेक्टिव होती है और बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन लेती है और देती है. नाउ कम टू द सेल. सेल इज गिवन हियर. सेल कंबाइन टू फॉर्म टिशू. सेल से टिशू बन गया. टिशू से ऑर्गन्स. ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम.
ऑर्गन सिस्टम से क्या हुआ, लिविंग विंग बनते हैं, लिविंग विंग से क्या होता है पॉपुलेशन, इसके बाद बायोटिक कमिटी बन जाती है, फिर इकोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है, फिर इसके बाद बायोस्फीयर फॉर्म हो जाता है। तो ये एक चेंज ही है जो आपको लर्न होनी चाहिए। नाउ कम टू द लिविंग बर्ड हैज टू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, लोअर एंड हायर। नाउ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। The group of cells that are structurally similar and together carry out the same function is called tissue. Cells form tissues, tissues form organs, group of organs form organ system and organ system together constitutes the body of the organism. Four type of plant tissue: meristematic, epithelial, vascular and ground tissue. In animal, mainly four type of tissue are found. First one, epithelial, muscular, connective and nervous tissue. Every living organism is dependent on the other organism and non-living things of its environment. So, each species has its own population. Choose the correct answer. So, first one is the lowest level of organization in the living world. Which one is? So that one is the cell. Cell is the lowest. Now be the system in made up of. So that is the all epithelial tissue, vascular tissue, ground tissue, all of the above. Yani sara ka sara ismein aayega. Now see part, the skin of our body is made up of. किस चीज की बनी होती है स्किन हमारी, दिट इज द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, इससे बना हुआ होता है। नाउ दिस वन सेल ऑफ सम टिश्यू, सेल ऑफ सम टिश्यू का बताना है इसमें कौन सा ये। सो दैट इज द फोर्थ वन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आपका फोर्थ वन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड इज, क्या होता है हमारे पास हाईएस्ट लेवल, तो दैट इज द बायोस्फीयर। लास्ट में जो आया था वो बायोस्फीयर आया था, दिखाया था मैंने आपको बनाकर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, तो इट इज द फिल इन द ब्लैंक, सारे मैंने एक में भर दिए हैं फिर भी आप लोग देख लेंगे। फर्स्ट है डिफरेंट ऑर्गेन्स टूगेदर कंस्टिट्यूट द ऑर्गेन सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम, सबसे टिप पे रूट पे और स्टेम पे सबसे ऊपर कौन सा पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल, सेल जो कंबाइन होते हैं टिश्यू फॉर्म होते हैं, टिश्यू से ऑर्गेन फॉर्म होता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म होता है। सो यू कैन पुट दिस वन। नाउ फॉर डी है हमारे पास प्लांट एंड एनिमल्स, यू कैन पुट दिस वन, प्लांट एंड एनिमल्स टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कम्युनिटी। Now, E parts organism species, community, ecosystem, biosphere. इसके बाद F है ये अमीबा पैरामीशियम आर यूनिसेलर, इसका केवल एक ही सेल होता है। एंड द जाइलम टिश्यू ऑफ द प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर, ये जाइलम जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। नाउ बोन्स एंड ब्लड आर कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू जो एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। लास्ट वन है सेल मस्कुलर टिश्यू बी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, so you can fill in the blanks. Now identify the true and false statement among the following, correct the false statement and rewrite them. So, first is the length of the root and the stem increases due to vascular tissue. Second is xylem transport the food manufacture in the leaf to other plants of the plant, parts of the plant. So different organs of the respiratory system are made up of nerve cells. Every organism depends upon the living organism in its environment. So different biosphere of the earth together constitute the ecosystem. Let us see which one is correct and which one is wrong. So first are the length of the root and system increase due to the vascular tissue. Yes, false hai hamare paas statement. So right statement kya likhna hai? The length of root and the stem increase due to मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड था जाइलम ट्रांसपोर्ट द फूड मैन्युफैक्चर्ड
in the leaf to other parts of the plant. To answer is false. So phloem transport the food manufactured in the leaf to the other part of the plant. So third one is the different organs of excretory system are made up of nerve cells. ये भी false है. Different organs are nerve systems are made up of nerve cell. Nerve cell से बने हुए होते हैं. Now come to the fourth one. Every organism depends upon the other living organisms in its environment. It is true. Now fifth one. Different biosphere of the earth together constitute the ecosystem. ये false है आपका. Different ecosystem of the earth together constitute the biosphere. Now question answer, write down the name and function of the tissue found in plant. To answer, name and function of the tissue found in the plants are as follows. Number one, कौन सा है? Meristematic tissue. This tissue results in an increase in the length of the root and stem. Epithelial tissue. This tissue forms the outer covering of every part of is root, stem, leaf, flower, fruit and seeds. Apart from providing protection, these tissues also exchange carbon, oxygen and water vapor for respiration, photosynthesis, etc. Third, vascular tissue. These tissues transport water, mineral, salt and food to different parts of the plant. Ground tissue, its function is to provide support to the plant in leaves in the manufactured food through photosynthesis and also store food in the root of many plants. What are vascular tissue? What is its importance for the plant? So your answer is the group of xylem and phloem found in the plant is called vascular tissue. Xylem carries water and mineral salt from the roots to leaves, whereas the function of phloem is to carry the food prepared by leaves to various parts of the plant. Which cell will be bigger than phloem, an elephant's body or that of an ant body? Write it. Answer, cells of elephant or ant body are similar. In ants, only the number of cells is less and in elephant, the number of cells is more. What would have happened if muscular tissue did not have the capacity to control and relax? So answer is that if muscular tissue did not have the capacity to control and relax, then our hands, legs and other organs could not move and they would become inactive. What would have happened if blood were absent from the body? If blood were absent from the body, then it would have been impossible to transport oxygen to all the organs of the body, due to which there would have been no existence of life. What would have happened if there were no nerve cell in our body? If there were no nerve cell in our body, then impulse would have not reached and brain and we could not have received the smell or of a flower, the taste of a biscuit and not felt on melodious music and pain when injured. If in a pond all living organisms except fish die, what will happen right here? If in a pond all living organisms except fish die, then the fish also would automatically not survive because due to the death of other organisms, fish would not get food to eat. How would the death of the entire vegetation affect the life on earth? Right. If the entire vegetation of the earth would die, then the food chain will break
and we will not get food due to which our life will be in danger. So draw level diagram of the following. First is nerve cell and second is the section of stem. So nerve cell ये आपको बना के दिखाया था, that is a connective, एक दूसरे से connect रहते हैं whole body में. तो ये nerve fiber है जिसकी help से ये एक दूसरे से connect रहते हैं. So that is the structure of nerve cell. You can draw in your copy. Now this one the section of stem you can say. So outer part is the epithelial tissue, बीच में जो रहता है ground tissue middle में, और कोलम यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इस पार्ट इज द कोलम टिश्यू एंड दिस पार्ट इज द जाइलम टिश्यू, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दैट इज द पिथ. लीफ इज एन ऑर्गेन, एक्सप्लेन करना है कि ये ऑर्गेन है. लीफ इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस टिश्यू विच कंबाइन टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक लीफ पोजेसेस वेन्स. Food tissues perform the function of translocation of water, salt and food. The function of tissue of upper and the lower surface of the leaf is to protect the internal parts. The function of tissue present inside the leaf is to prepare food. All these tissues organize together to form a leaf. Thus, leaf is a an organ. Now what are the animal tissues? How many type of are they? So write their name. Tissue found in animals are called animal tissue. They are of four types. First one is the epithelial tissue. Number second is nervous tissue. Third one is the muscular tissue and fourth one is the connective tissue. Write the name of the various metabolic activities performed in a living organism. So you can write here metabolic activity of living organisms are as follows. Number one hai digestion. Number two hai respiration. Number three hai growth. Number four hai reproduction. Number five excretion. How are tissues formed? So answer is when cells similar in structure, function and origin organize, they are called tissue. What is organ and organ system? Explain with example. When various type of tissue together perform a common function, then they are called organs. And when different organs together complete a specific work, they are called organ system, like mouth, stomach, intestine, etc. are organs which function separately, but these organs together complete the function of digestion. Tell the name of the largest and smallest cell of the human being. So, सबसे पहले smallest cell कौन सा है? Blood cell. And the largest cell, that is the nerve cell. Write the name of the organ system of the plant. So answer is root system and root system. Which structure is formed by the organization of cell? So answer is organization of cell result in the formation of tissue. In the organization of organism, tissue organ is to form which structure? So, in the organization of organism, tissues are organized to form organs. Which are the levels of the organization of living world? So, there are two levels of organization of living world. First one is the lower level and second one is the higher level. What is formed by the combination of ecosystem? So, ecosystem combined to form biosphere. So how can cells be seen? So cells can be seen by the help of microscope. It cannot be seen without microscope. Now, correct to the correct answer. Group of tissue forms. So it is the organ. So formation of organism. So that is the union of oxygen system. Now third one, the smallest cell. It is the blood cell. Now xylem. Xylem is, it is the conducting tissue.
Now, fourth, fifth one, the transport of blood material, that is the pollen. It is done by pollen. Once again, fill in the blanks. So, first one, the living community has. यहाँ पे क्या आएगा? प्लांट आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ सेकंड है, सेकंड में क्या आएगा? प्लांट्स प्रिपेयर. यहाँ पे आएगा प्लांट्स, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. नाउ थर्ड वन, द इन ऑर्गेनिज्म आर द सेम, सो दैट मीन्स आर लिविंग एक्टिविटी. So you can write here living activity. Now fifth one, in excretion, excrete the harmful product and remove from the body. Now sixth one, man is a multicellular. You can write here multicellular. Multicellular organism, as in it works in distributive. Seven number, nervous system. जो nerve tissue का, यहाँ nerve tissue लिखना है आपको. नर्वस टिश्यू है. नर्वस टिश्यूज कैरी द सेंसेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. नंबर एट है बोन एंड ब्लड आर, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू. यू कैन राइट हियर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ नाइन्थ, इन मस्कुलर टिश्यू, यू कैन से हियर मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू देयर इज, क्या है यहां पे? एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर प्लांट विच इज सोर्स मूवमेंट. There is contract and relaxation of muscular which shows movements. So, tenth है epithelial tissue of stomach forms. क्या होता है? Digestive enzyme. ये digestive enzyme बनाता है. So, you can write here digestive. Now, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. बताना है कि और ट्रू फॉल्स. बस तो फर्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ टिश्यू डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर, इट्स ट्रू. सो यू कैन राइट हियर ट्रू. सेकेंड है योर स्किन एंड द अपर सर्फेस ऑफ द लीव आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. ये आपका फॉल्स है. Now, third one, epithelial tissue is responsible for plant growth. It is also false. Fourth one, the for animal growth, epithelial tissue is responsible. It is also false. Fifth one, only multicellular. Only muscular tissue is responsible for human speed. It is true. So you can write true. ये lesson बच्चों यही समाप्त हो रहा है. ये नीचे आपका लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है और मुझे क्या और करके देना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इसी के साथ मैं आदेश प्रसाद सर
आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।